नमस्ते, आओ प्रज्ञा स्लोत्रा। तो सारे लोग दिखा रहे हो सीधी लकीर। कोरोना वायरस पर अपडेट लिए एक बारी परती तुसे सारे लोग कह रहे सामने, मैं हाजिर हाँ। और तुम्हें तो सुनावा कि आज दे दिन जम्मू कश्मीर च कोविड-19 के किन्ने नवे शिकार बने हैं। तो तुम्हें तो दसा 227 लोग जड़े ने वो अज दे दिन कोविड-19 द टेस्ट जड़ा होंदा वो पॉजिटिव आया है। जम्मू कश्मीर च टोटल जड़े आए ना वो 227 है। और जो मैं गल करा जम्मू डिवीजन की, तो जम्मू डिवीजन तो 30 लोग जड़े ने वो अज दे दिन कोविड-19 के जाल च फसे ने। इं रिकवरीज की भी गल करचे तो जम्मू डिवीजन की गल करा तो जम्मू डिवीजन तू 20 लोग जड़े ने वो अज के दिन कोविड-19 बीमारी तो छुटकारा पाइए और जाल तो बाहर निकलीए, रिकवर होइए, डिस्चार्ज होइए, अपने अपने घर जड़े ने वो पुजी दे ने। तो एरे कन्ने के एक भैड़ी खबर भी तुम्हें तो दें कि 8 लोग जड़े ने वो अज के दिन जम्मू कश्मीर के रौने वाले है जड़े वह कोविड-19 की वजह कन्ने उनकी जान भी चली है। और जी 8 मौत हुई हैं ये 8 दे 8 लोग जड़े ने ये कश्मीर के रौने वाले है। जम्मू तो अज के दिन जम्मू डिवीजन तो कुछ भी बंदे की मौत जड़ी है वह नहीं हुई है कोरोना वायरस की वजह कन्ने। तो तुम्हें हूँ डिटेल दसनी है, पर डिटेल को पहले एक बड़ी खबर तुम्हें यह भी देना कि जम्मू कश्मीर च अज के केस मिलाइए 227 केस मिलाइए किन्ने केस जड़े ने वो होइए ने कोविड-19 के टोटल। तो तुम्हें आंकड़ा दसा रहा मैं, 8,246 लोग जड़े ने वो कोरोना वायरस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और ये 8,246 लोग सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के रौने वाले ने। जे इन्दे विचों कुछ ऐसे है जिहड़े कि ट्रैवलर है, जिहड़े रिटर्नीज है, जिस वेले वो परतिए वापस आ रहे अपने इलाके वाले पासे, तो उनका जिस वेले टेस्ट होया बथेरे लोगों के उनका मेल मिलाप होया जिदी वजह कन्ने उनका टेस्ट जिहड़ा वो पॉजिटिव आया और वो भी कोविड-19 के पेशेंट की लिस्ट से शामिल होए। और बथेरे सारे लोग ऐसे भी हैं ना जिन्हें लापरवाही की, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और वो भी आज के दिन या तो पूरे हुए दिन है या रिकवर हुई हो अपने घर पुजी दिन है। और बथेरे सारे लोग ऐसे भी हैं ना जिहड़े कि अले भी अस्पतालों इस बीमारी कन्ने लड़ा दे। तो ऊँ तुसीं कि पहले जम्मू डिवीजन की सारी डिटेल दसा कि अज के दिन जिहड़े जम्मू डिवीजन तू 30 नवे केस आए ने। ये 30 केस जिहड़े ने जम्मू डिवीजन के किस किस इलाके तू किन्ने किन्ने केस आए देने, तो तुम्हें डिटेल दसा। शुरुआत करगी जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू अज दे दिन 12 नवे केस जड़े ने वो सामने आए हैं और 12 दे 12 विचों 5 लोकल लोग है और 7 लोग है जड़े कि ट्रैवलर है। उधमपुर की गल करा तो उधमपुर के रौने वाले भी 2 लोग उनका टेस्ट जड़ा अज दे दिन पॉजिटिव आया और वो दोनों बंदे जड़े है वो ट्रैवलर है। कठुए और रामबन इन दो इलाके तो अज के दिन कोई भी कोविड-19 का नवा केस जड़ा सामने नहीं आया। गल करते सांबा की, तो सांबे तू भी 10 लोग जड़े ने वो अज के दिन कोविड-19 के पेशेंट की लिस्ट च शामिल होए दे ने। उन 10 विचों एक बंदा जड़ा हा वो लोकल हा और बाकी दे 9 जड़े है वो ट्रैवलर है। पुंछ की गल करते तो पुंछ तू भी एक बंदा जड़ा वो अज दिन पॉजिटिव आया और वो भी ट्रैवलर हा। रजौरी की गल करा तो रजौरी तू 4 लोग जड़े ने वो अज के दिन उनका टेस्ट कोविड-19 का पॉजिटिव आया है। उन 4 विचों 3 ट्रैवलर है, एक लोकल हा। डोडा तो एक बंदा जड़ा लोकल हा वह भी अज के दिन पॉजिटिव आया। रियासी और किश्तवाड़ ये भी 2 इलाके ऐसे है जिथों अज के दिन कोविड-19 का कोई भी नवा केस जड़ा वह नहीं थोया। एरे के कन्ने तुम्हें रिकवरीज भी दसा, जिया कि तुम्हें पहले भी मैं दसाया कि अज के दिन जम्मू डिवीजन तू 20 लोग जड़े ने वह ठीक होए ने और 20 रिकवरियां जम्मू डिवीजन के किस किस इलाके तू हो रही वह भी तुम्हारे कन्ने शेयर करगी। तो तुम्हें कि सुनावा मैं कि अज के दिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू 6 लोगों रिकवर किया है। उधमपुर तू 2 लोगों रिकवर किया है। कठुआ तो रामबन तू ना गे अज के दिन कोई केस आया नवा, तो ना गे अज के दिन कोई बंदा जड़ा वह रिकवर होया। सांबे की गल करिए तो सांबे तू भी 6 लोग जड़े ने वह ठीक हो ने इस बीमारी तो छुटकारा पाइए, अज के दिन वो डिस्चार्ज होइए, अपने अपने घर जड़े ने वह चली देना है। इं कि पुंछ तो दसा तो पुंछ तू भी 2 लोगों की रिकवरी जड़ी है वह हुई है। रजौरी तू भी 3 बंद की रिकवरी की खबर सामने आई दी। डोडा तू अज के दिन कोई रिकवरी नहीं हुई, ना कि किश्तवाड़ तू हुई। पर जे गल करा कठुए की, तो कठुए का भी तुम्हें दसा कि कठुए तू भी अज के दिन कोई भी रिकवरी नहीं हुई, ना गे रामबन तू हो रही, ना गे डोडा तू कोई रिकवरी हो रही और ना गे किश्तवाड़ तू हो रही। रियासी तू एक बंदा जड़ा वह जरूर एक जड़ा वह रिकवर हो चुके दिन है, उस बीमारी तो छुटकारा पाई बैठा है अज के दिन। तो यह 20 रिकवरियां ही जी जम्मू डिवीजन तू हो रही हाँ। हूँ तुम्हें दसा कि मौत जड़िया ने वो जम्मू डिवीजन च हो चुकी ने।
पहले तो तुम्हें टोटल दसा कि टोटल 14 लोग जम्मू डिवीजन के रौने वाले जेड़े कि अपनी जान गुआई 8 दिन कोविड-19 की वजह कन्ने। और अज के दिन कोई भी जम्मू डिवीजन तो मौत नहीं हुई दी, पर ये 14 लोग जिन्होंने अपनी जान गुआई है ये कुत्थे दे रौने वाले है, किस इलाके दे रौने वाले है वह भी तुसें ही सुनावा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे रौने वाले 8 लोग जिहड़े ने कोरोना वायरस की वजह कन्ने अपनी जान जिहड़ी है गुआई 8 दिन है। उधमपुर का रौने वाला एक बंदा पूरा ही है, कठुए तू भी एक बंदा जिहड़ा है वह भी पूरा ही है कोविड-19 की वजह कन्ने। और बाद पुंछ तू एक बंदे की जान चली है, रजौरी का भी एक बंदे की मौत की खबर जी सामने आ रही है। और डोडा तू भी रोने वाले 2 बंदे आए हैं जिहड़े कोविड-19 के पहले पेशेंट है और बाद रिकवर नहीं करी पाए, वो सरवाइव नहीं करी पाए और उनकी मौत जी है वह कोविड-19 की वजह कन्ने हुई है। तो ये 14 मौत ही जी जम्मू डिवीजन तो हुई रही। हूँ मेन गल मेन मुद्दा जिहड़ा कि एक्टिव केस हले भी किन्ने ने, टोटल एक्टिव केसिस तो ही दसा तो टोटल तो ही मैं सुनावना 434 एक्टिव केसिस जड़े ने वो जम्मू डिवीजन च हले भी टोटल ने, जिहड़े हले भी लोग अस्पतालों च लड़ा दे ने। हूँ तुम्हें डिटेल च दसनी आ 434 किस किस इलाके तो रोने वाले ने। तो तुम्हें की दसा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की गल करा तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू हले भी जिहड़े एक्टिव केसिस दिखने की थोड़ा देना वो है 79। उधमपुर की गल करिए तो 92 एक्टिव केसिस उधमपुर तो भी दिखने की थोड़ा रहे। कठुए के भी रोने वाले 64 लोग ऐसे ने जिहड़े हले भी अस्पतालों च इस बीमारी कन्ने लड़ा दे ने। रामबन की गल करिए तो रामबन तू भी 39 लोग ऐसे ने वह भी एक्टिव केसिज लिस्ट च शामिल ने। गल करिए सांबे की तो सांबे के भी रोने वाले 48 लोग ऐसे ने जो कि हले भी अस्पतालों च कोविड-19 कन्ने अपनी लड़ाई जी लड़ा दे। पुंछ के रोने वाले 10 लोग भी एक्टिव केसिज की लिस्ट च शामिल ने। रजौरी तो 53 एक्टिव केसिज ने। डोडा की गल करिए तो डोडा तू भी हले भी 28 लोग जड़े ने वो लड़ा देना इस बीमारी तू। रियासी तू 13 लोग और किश्तवाड़ तू 8 लोग जड़े ने वो भी एक्टिव केसिस दे लिस्ट च हले भी शामिल ने। ये जम्मू डिवीजन का तो ही दस्या। हूँ गल करने कश्मीर की, तो कश्मीर घाटी के जो लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज के दिन जम्मू कश्मीर में जो टोटल कोविड-19 के नए केसेस पाए गए हैं वो है 227। और बात करूं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर घाटी की तो कश्मीर घाटी में आज के दिन 197 लोग जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हुए हैं आज के दिन यानी कि 4 जुलाई को। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि कितनी रिकवरीज हुई हैं आज कश्मीर घाटी में, तो 48 लोगों ने आज के दिन कश्मीर घाटी से रिकवर भी किया है। और साथ ही साथ एक दुखद खबर भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि कश्मीर घाटी के ही रहने वाले 8 लोग जो थे वो कोविड-19 के पहले पेशेंट थे और आज के दिन उनका ध्यान तो हो चुका है, आज के दिन उनकी मौत की खबर जो है वो सामने आई है कोविड-19 के कारण। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी जो 197 नए केसेस आए हैं कश्मीर घाटी से वो कश्मीर घाटी के किस किस इलाके से रहने वाले थे, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि रिकवरीज जो हुई हैं आज के दिन वो कहाँ हुई है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि श्रीनगर में आज के दिन कितने केसेस नए मिले हैं। तो आपको बताऊंगी आज के दिन श्रीनगर में 33 नए केसेस जो हैं वो पाए गए हैं और उन 33 में से 2 ट्रैवलर हैं और 31 लोग जो हैं वो लोकल लोग हैं जिन्होंने लापरवाही की है और आज के दिन वो इस डाटा में शामिल हुए हैं। इसी के साथ आपको बारामूला का बताऊं तो बारामूला में 57 लोग जो हैं आज के दिन कोविड-19 का शिकार हुए हैं और वो सभी के सभी जो थे वो लोग थे जो लापरवाही कर रहे थे। कुलगाम से भी 2 लोग जो हैं वो आज के दिन पॉजिटिव आए हैं। शोपियां से 46 लोग आज के दिन पॉजिटिव आए हैं और 46 में से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जो था वो ट्रैवलर था, बाकी के सभी लोग लोकल लोग थे, ना वो रिटर्नीज थे ना वो माइग्रेंट्स थे। इसी के साथ आपको अनंतनाग का बताऊं तो अनंतनाग से भी आज के दिन 4 नए केसेस आए हैं, उनमें से एक शख्स जो है वो ट्रैवलर है और बाकी के 3 लोकल। कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा के रहने वाले 7 लोग आज के दिन कोविड-19 का शिकार हुए हैं। पुलवामा की बात करें तो पुलवामा से 17 लोगों का आज के दिन कोविड-19 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। बड़गाम से 26 लोग आज के दिन कोविड-19 का शिकार हुए। बांडीपुरा से 5 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, उन 5 में से 3 ट्रैवलर और 2 लोकल। गांधरबल से आज के दिन कोई भी कोविड-19 का नया केस जो है वो नहीं पाया गया। अब बात करते हैं रिकवरीज की। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के दिन 48 लोगों ने कश्मीर घाटी से रिकवर किया है, तो आइए जानते हैं ये 48 रिकवरीज कश्मीर घाटी के किस इलाके से हुई हैं।
तो सबसे पहले आपको श्रीनगर का बताऊंगी कि श्रीनगर में आज के दिन 16 लोगों ने रिकवर किया है। बारामूला से 9 लोग आज के दिन कोविड-19 के जाल से निकल चुके हैं। कुलगाम से कोई रिकवरी नहीं हुई, ना ही शोपियां से हुई है, ना ही अनंतनाग से हुई है और ना ही कुपवाड़ा से हुई है। बात करूं पुलवामा की तो पुलवामा से आज के दिन 10 लोग जो है वो रिकवर हुए हैं। उन 10 लोगों ने कोविड-19 बीमारी को मात देते हुए आज के दिन रिकवर किया है और वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से अपने अपने घर जा चुके हैं। इसी के साथ आपको बड़गाम का बताऊं तो बड़गाम से भी 4 लोगों की रिकवरी की खबर सामने आई है। बांडीपुरा से 9 लोग आज के दिन रिकवर कर बैठे हैं। गांधरबल से आज के दिन ना ही कोई केस नया आया है और ना ही कोई रिकवरी की खबर जो है वो आज के दिन आई है। अब जानते हैं कि कितनी मौतें हो चुकी हैं कश्मीर घाटी में कोरोना वायरस के कारण। तो उससे पहले आपको टोटल बताऊंगी, आज का आपको बता दिया कि आज के दिन 8 लोगों ने जान गंवाई है कश्मीर घाटी से कोविड-19 के कारण। और बात करूं अगर टोटल डेथ्स जो कश्मीर घाटी में हुई है तो आज की डेथ्स 8 मिलाकर 113 लोग कश्मीर घाटी के रहने वाले जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो अब आपको बताऊं ये 113 लोग कहां कहां के रहने वाले थे। श्रीनगर से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा किसी जिले में या किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर मौतें हुई हैं तो वो श्रीनगर है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस भी पाए गए हैं और सबसे ज्यादा रिकवरीज भी हुई है और सबसे ज्यादा मौत भी हुई है। 30 लोग श्रीनगर से मर चुके हैं कोविड-19 के कारण। बारामूला से 22 लोगों की मौत की खबर। कुलगाम से 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शोपियां के रहने वाले 13 लोग वो भी कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अनंतनाग से 10 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। कुपवाड़ा से 7 लोगों की मौत की खबर। बात करूं अगर पुलवामा की तो पुलवामा के भी रहने वाले 4 लोग ऐसे थे जो कोविड-19 के कारण कोविड-19 की लड़ाई में हार चुके हैं। बड़गाम की बात करूं तो बड़गाम से 9 लोग जो हैं वो भी इस लड़ाई में हार गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बात करूं बांडीपुरा की तो बांडीपुरा से भी एक शख्स ने जान गंवाई हुई है। तो गांधरबल की बात करूं तो आपको बताऊं कि गांधरबल में आज के दिन पहली मौत जो है वो कोरोना वायरस के कारण हुई है। गांधरबल की जो आज एक मौत हुई है गांधरबल से, वो पहली मौत थी कोविड-19 के कारण जो गांधरबल से हुई है। इसी के साथ आपको एक्टिव केसेस भी बता दूं तो उससे पहले आपको टोटल एक्टिव केसेस बताऊं कि कश्मीर घाटी में टोटल एक्टिव केसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो है 2542। 2500 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो कोविड-19 का शिकार कश्मीर घाटी से हो चुके हैं। और आपको बताऊं ये 2500 से भी ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल्स के उन बेड में अपना इलाज करा रहे हैं और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं। तो डिटेल्स आपको बताऊं कि एक्टिव केसेस में ये जो 2542 मौतें हुई एक्टिव केसेस हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं। श्रीनगर से अभी भी 638 एक्टिव केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बारामूला से 563 एक्टिव केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स में सर्वाइव कर रहे हैं। कुलगाम से 240 एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। शोपियां की बात करूं तो शोपियां से भी 224 लोग ऐसे हैं जो अभी भी हॉस्पिटल्स में कोविड-19 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अनंतनाग से 153 केसेस देखने को मिल रहे हैं। कुपवाड़ा से 159 केसेस। पुलवामा से 263 केसेस। बड़गाम की बात करूं तो बड़गाम से भी 216 एक्टिव केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। बांडीपुरा से 28 लोग जो हैं वो अभी भी कोविड-19 का शिकार हैं और हॉस्पिटल्स में इस बीमारी से लड़ रहे हैं। गांधरबल की बात करूं तो गांधरबल से भी 58 एक्टिव केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जम्मू डिवीजन की बात हो गई, कश्मीर डिवीजन की बात होगी। अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में टोटल कितने एक्टिव केसेस जो हैं वो अभी भी हैं। तो आपको बता दूं, ये पहले मैंने आपको प्रोविंस वाइज बताया, अब आपको बताऊंगी कि टोटल जम्मू कश्मीर में जो एक्टिव केसेस हैं अभी भी वो है 2976। टोटल कितनी रिकवरीज हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में 5143। और टोटल कितने लोगों ने जान गंवाई है कोविड-19 के कारण जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तो आपको बताऊं 127 लोगों ने जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले थे कोविड-19 के कारण उनकी जान जो है वो जा चुकी है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दूं
कि आज की तारीख तक, आज के भी 227 केसेस मिलाकर जम्मू कश्मीर में कितने टोटल केसेस जो है वो हो चुके हैं कोविड-19 के कंफर्म्ड केसेस, तो आपको बताऊं 8,246 टोटल कोरोना वायरस के कंफर्म्ड केसेस हैं ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। और आज के दो बता रही हूँ कि 227 नए केसेस आए हैं, और उन 227 में से ट्रैवलर्स अगर आपको बताऊं तो 227 में से 29 लोग जो थे वो ट्रैवलर्स थे, वो रिटर्नीज थे, वो माइग्रेंट थे, और बाकी के जो लोकल लोग थे वो थे 198 जो लापरवाही के कारण, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिन लोगों ने अपने चेहरे को कवर करने की कोशिश नहीं की, जिन लोगों ने कोरोना वायरस बीमारी को नॉन सीरियसली लिया, वही 198 लोग वैसे हैं जो आज के दिन कोविड-19 के जाल में फंसे हैं, और आज के दिन कोविड-19 का टेस्ट जो है इनका पॉजिटिव आया है। तो ये थे सारे आंकड़े आज के, तो आप सभी लोगों से जाते जाते यही कहूंगी कि आप अपना सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें, रिलैक्सेशन भी मिल रही है, और अब तो ज्यादा रिलैक्सेशन जो है वो मिली है जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप सभी लोगों को। आज मेरी कलीग ने बताया भी है कि कितने रेड जोन एरिया है, कौन कौन सा एरिया जो है वो ऑरेंज जोन है, कौन सा एरिया जो है वो ग्रीन जोन है, कितनी रिलैक्सेशन किस एरिया में कितनी मिली हुई है। तो आप सभी लोग उस चीज का ध्यान रखिए, गाइडलाइंस का पूरा पूरा पालन करें, और गाइडलाइंस के साथ साथ अपना भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी आप लोगों की जान ले सकती है, आपके अपनों की जान ले सकती है, और आपको एक और कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो सकती है। तो जाते जाते यही कहूंगी कि अब दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी कोरोना वायरस की अपडेट लेकर आप सभी लोगों के सामने। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दिल के।